हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बचे हुए दाल चावल से बहुत ही टेस्टी रेसिपी। ये रेसिपी इतनी अच्छी बनके रेडी हो जाती है, इतनी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स कि आपको ज़रा भी नहीं पता चलेगा कि आपने दाल चावल से बनाया है। आप इसे ट्राई ज़रूर करना। अगर आपने एक बार इस रेसिपी को बना लिया तो मुझे पक्का यकीन है कि जब भी आपके घर में दाल चावल बच जाएगा तो आप इसी रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हमने इसे कैसे बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप बचा हुआ चावल लिया है और उसी कप से मैंने आधा कप दाल लिया है। दाल चावल का आधा ही दाल लिया है हमने, क्योंकि चावल को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है हमें, तो इसे हमें पीस लेना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है, थोड़ा बहुत जैसे भी पीस जाए बस उतना ही हमें पीस लेना है। दरदरा ही रहेगा, ज़रूरी नहीं कि फाइन पेस्ट होगा। अगर फाइन पेस्ट हो जाता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है 4 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर के जगह चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। और एक बारीक कटी हुई प्याज और एक हमने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है और 2 बड़ा चम्मच हमने ले लिया है कटा हुआ हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्च, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें गाजर भी कट करके डाल सकते हैं बारीक बारीक। 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार हाथों से। इसका हमें डो बनाना है, आटा की तरह से गूंथ लेना है। तो पहले हम इसे ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। तो ये अभी हमें ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है तो इसे हमें थोड़ा सा हार्ड बनाना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है बट इतना सॉफ्ट भी इसको नहीं रखना है हमें। तो इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है ब्रेड क्रम्स। तो इसका हमने कोई मेजरमेंट नहीं किया है, जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा उतना हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसके जगह सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक वाली सूजी। बारीक वाली सूजी अगर आपके पास नहीं है तो जो भी सूजी है उसे आप मिक्सी में पीस लीजिए, उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और ऐड कर दिया। और जब भी सूजी आप ऐड करें तो इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, क्योंकि सूजी पानी को सोख करता है। तो उस हिसाब से आप उसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए हमारा डो बन के रेडी हो गया है। बस हमें इतना ही सॉफ्ट चाहिए, इससे ज़्यादा ना हार्ड चाहिए ना ही इससे ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। तो अभी हमने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इसका एक बॉल बना लेंगे। तो इसे हम बॉल के शेप में बना रहे हैं। आप इसका टिक्की जैसे बनाते हैं उस शेप का बना सकते हैं या फिर सिलेंडर के शेप का बना सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद आए आप इसे बना सकते हैं, उससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इसे हमें बना लेना है सारे बॉल्स को। और हमें इसे बनाने के बाद इस तरह से फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलेंडर शेप का भी बना लिया है। तो इस तरह से हमने सारा बॉल बना लिया है, कुछ हमने सिलेंडर के शेप में भी बनाया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मैदा। अब एक एक बॉल को हम मैदे से कोट कर देंगे इस तरह से, और जो भी एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे हम झाड़ के निकाल देंगे थोड़ा सा इस तरह, हाथों से उसे निकाल देंगे जो भी एक्स्ट्रा होगा। इसी तरह से सारे बॉल को कोट कर लेंगे। अभी मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, इसके बाद मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी आपको। इस तरह से हमने सारे बॉल को कोट कर लिया है। अब दूसरा तरीका हमने देखिए यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लिया है, इसमें हम डायरेक्ट बॉल को कोट कर दे रहे हैं, लेकिन आप इसे मैदे का एक घोल बना के उसमें डिप करने के बाद भी कोट कर सकते हैं। मैंने उस तरह से भी बनाया है, मैं तीनों आपको दिखाऊंगी।
तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हमने इसे कोट कर लिया है और कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया, तेल गर्म भी हो चुका है तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं। गैस तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है और गैस की फ्लेम को हमने फुल ही रखा है, इसे हम फुल फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे क्योंकि अंदर का जो भी इंग्रेडिएंट्स है ऑलरेडी पका हुआ है दाल चावल, तो कच्चा रहने का कोई डर भी नहीं है। तो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में। तो देखिए फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी अच्छा आ गया है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए बाहर से देखने में ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। और अब हम फ्राई करेंगे जो हमने ब्रेड से किया था। इसमें हमने सिर्फ ब्रेड क्रम्स लगाया है। अगर आप इस तरह से फ्राई करेंगे तो इसमें थोड़ा सा तेल तेल दिखेगा, लेकिन हमने जो घोल बना के रखा है उससे जो हमने कोट करके रखा है ब्रेड को, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैदे का एक घोल बनाया, उसमें इसे डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स से इसे कोट कर लिया। सॉरी इसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं मैदे का घोल बनाई थी। तो इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि आप अगर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं तो उसे मैदे का घोल बना के उसे डिप करके उसके बाद कोट करना, तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। बट आप जैसा भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं, तीनों ही आइडिया से आप कर सकते हैं। तीनों ही बहुत टेस्टी बना था, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिस्पी यही वाला बना था। तो देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड क्रिस्पी और बहुत जल्दी बन जाने वाला नाश्ता रेडी है। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये बाहर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट भी है। इसे खाने के बाद कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने इसे दाल चावल से बनाया है। तो आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।